क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो कह रहा है व्हाई, ऐसा क्यों है, तो क्यों है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है, ये पता होना चाहिए ना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और या फिर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यही होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन भी हो गई, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और ऑक्सीजन ऐड हो जाए। तो हमें पता होना चाहिए इथेनॉल क्या होता है और इथेनॉल से इथेनोइक बन रहा है। तो जब इथेनॉल से इथेनोइक बनता है तो क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो हम देख लेंगे। तो भाई देखते हैं, तो आपको या तो इथेनॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इथेनॉल का फॉर्मूला या तो डायरेक्ट वो स्ट्रक्चर करके बना सकते हो, लेकिन कुछ ये जो कॉमन कॉमन है उसके फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। जैसे इथेनॉल का होता है CH3CH2OH, और यह OH मतलब ये OL है ना, अल्कोहल है, ये पता होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप OL OH है। तो ये इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनोइक एसिड, तो इसका भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है CH3COH, याद है COH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब चीजें मैं बताता जा रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपको सबकॉन्शियसली भी याद रहे, फंक्शनल ग्रुप है ये अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाना है, तो इसको हम जब बनाते हैं तो इसके लिए हमें पहले कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं। मतलब ऑक्सीडाइजिंग बेसिकली ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, हीट करना, तो हीट करते हैं, तो हीट ऐसे ही नहीं कर देते हम, उसके लिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो एजेंट या वो चीजें या वो कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन करने में मदद करे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम या तो KMnO4 ले सकते हैं, पोटेशियम मैंगनेट, या फिर हम वो भी ले सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेकिन इस केस में चलो हम मान लो KMnO4 लेते हैं। तो बस बन गया हमारा, देखो ये इथेनॉल है, इसका फॉर्मूला है, और ये इथेनोइक एसिड है। तो जब ये कन्वर्ट हुआ तो क्या अब इसमें देख लो, क्या रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, बिल्कुल हुआ। देखो हाइड्रोजन कितने, 3, 2, 5, 6, लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्शन साइड में 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर कितने, 3, 4, यानी 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। देख लो यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 हो गए, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया। तो इसका मतलब ये जो कन्वर्जन होता है इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बिकॉज इन दिस रिएक्शन देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ गया, तो ये रिएक्शन हमने बना के भी दिखा दी। और अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ये इथेनॉल का मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं स्ट्रक्चर बनाना प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, समझ आ गया ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।